ये क्या मांग रहे हैं? अरे क्या मांग रहे हैं भाई? अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, बोलो क्या मांगे? अरे अप्पा दे दो, प्यार से दे दो, वरना लेंगे छीन के। सबसे पहले तो सारी दादियों का सलाम। आप सबकी तस्वीरें टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं और ये वाले हमारी दादी ये तो मतलब स्टार हो गए, एकदम सुपरस्टार है। और आप चिंता ना करें, आपने जिन जिन ऑडियंस का भी रिएक्शन लेना आप आएंगे। आप चिंता ना करें, हमारे पता नहीं आए या ना आए, उनके अच्छे दिन आएंगे। आप लोगों ने जो मेरे पास एक्चुअली शक नहीं है, और हमारे देश में तो ऐसे भी बाघ जो है ना, हर बाघ से बढ़ावा निकलती है। एक जलिया वाला बाघ था और उसके बाद एक शाहीन बाघ आया, और इस बाघ ने ऐसी आग लगाई है कि आज देश के शहर शहर में एक शाहीन बाघ है। और ये बहुत जरूरी है, हमारे समाज में औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को बहुत ही अंतर आता है। या तो फिर आप ये पकड़ो, ये वाला ये पकड़ो, मैं लाइव करता हूँ, क्योंकि मर्दों ने तो बहुत कैमरे अपना ही चला गया ना, बड़े सहनों से रास्ता दिखा रहे और ऐसा दिखाया कि देखने लायक नहीं है। मोबाइल छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप ही पकड़ो। और देश के बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स वो रास्ता दिखाए, हम पीछे चले। कैमरा तीसरा, कैमरा तीसरा फ्रेम से अभी आपका टाइम है, और हम जैसे लोग एक एक करके छोटे रहेंगे, बहुत से लोग आपने खुद ही देखा, आपको महीना भर हो गया यहाँ बैठे हुए, एक एक करके ऐसे बुलाए लोग यहाँ आते गए और छूटते गए, तो डटे रहे, लड़ाई लंबी है। जब मैं कूदा था इनको बताया, इनके भी विचार यही थे, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई सोच लो, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन दो दिन की नहीं है, और उसमें क्या क्या कुर्बानियां होंगी ये भी पता नहीं है। तो ये साथ है, परिवार साथ है, ये मेरी ताकत है, इसी तरह अब आप पूरे देश की ताकत है। एक और बात मैं चाहूंगी, आजकल बहुत कहा जाता है 700 देके दिखाया जाता है, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया या कुछ स्पॉन्सर नहीं किया कि हम यहाँ आके आप लोगों से मिले, दिल से आवाज आई, हम चाहते थे आप लोगों से मिलना और आप लोग।
भाषणबाजी करना नेताओं की तरह मुझे आता नहीं, नेता मैं हूँ नहीं, जो दिल की बात है वो कह देता हूँ। एक चीज जो मैंने महसूस किया, एक तो भाई मुंबई से कितने हम घर हैं जो वहाँ फोकस कर रहे हैं, उन सब ने बहुत 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 मोहब्बत भेजी है आप सब। सड़क खाली करो, सड़क खाली करो, मकान स्कूल नहीं मिलेगा, बंद करो दुकान, छुरी पर खून मुंह पर नाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। सड़क खाली करो मकान स्कूल नहीं मिलेगा, बंद करो दुकान, छुरी पर खून मुंह पर नाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। किसका है देश, किसका है देश, क्या था तुम्हारा? भारत लेकर हमको जोर से पुकारे, मालिक की रूह को इंतकाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। खाकी है वर्दी और खाकी ही निकर, खाकी है वर्दी और खाकी ही निकर, समेत लो बस्तर थाली और कुकर, बैठे क्यों हो, बहुत आराम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। सरकार का विरोध देश का विरोध है, सरकार का विरोध देश का विरोध है, शासन हमारा अभिव्यक्ति का विरोध है, अघोषित आपातकाल सरेआम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। लाठियां वाटर कैनन जेल खाने है तैयार, तान ली है हमने बंदों के हजार, पांचवा लोकतंत्र अब विराम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। लाइन में लगो, कागज बनवाओ, फूस दो, जान दो, जगो, चिल्लाओ, सच है जो हम पर इल्जाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। जनता नहीं देश, जनता नहीं देश, अब प्रधान जी ही देश है, जनता नहीं देश, अब प्रधान जी ही देश है, प्रधान जी निकास, अब प्रधान जी ही प्रदेश है, उनकी ही भक्ति में आवाम लगा है, अरे बंद करो प्रदर्शन। मैं बिजोर का हूँ, बिजोर का नाम सब नमस्कार, बिजोर का हूँ, और पीछे कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने आके भी तो दिल्ली में जिसमें पुराने शहरों की बात हुई थी, एक मुसलमान भी था हमारे बुजुर्ग का, उसने आखिरी वक्त में फोन किया था अपने देश शोभित को, और आखिरी शब्द उसने यही थी कि भाई शोभित मेरे घर का ख्याल रखना। तो इसे हिंदू मुस्लिम दोस्ती की मिसाल बताया गया था, जो कहने का तो मिसाल हमारे देश में सदियों से है भाई, बहुत सालों से, लेकिन इतना माहौल जो होता गया होता गया होता गया, और दिल्ली ने कभी देश को जोड़ा था 1857 का दौर, दिल्ली की शहनशाही में शुरू हुआ था बहादुर शाह सफर की अगुवाई में, और आज दिल्ली ने कानून का काम किया है लोगों को, तो इस पर कुछ लिखा था सुना रहा हूं समझिएगा, कहानी तो शोभी के मुशर्रफ की है लेकिन उसमें दर्द हट सकता है। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री, दिल्ली की अवैध फैक्ट्री मालूम मिला कहा है जी, दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलस कर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया,
چونکہ اس نے آخری کال اپنے جگری یار شوبھت کو لگائی. 16 دن والی اس کال کی ریکارڈنگ جب میڈیا نے چلائی لوگوں کی آنکھیں بھر آئی. ایک مسلمان کو آخری گھڑی میں ہندو دوست ہی یاد آیا, بھارت ورش نے اسے ایک بڑی خبر بتایا. لیکن بیچارہ شوبھت سکتے میں تھا, وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. نیم قاعدے توڑے مالک نے اور بس اس کا دوست ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مالک چور تھا, منافع خور تھا, آگ اسی نے لگائی تھی کیونکہ وہ آدم خور تھا. پر ہو سکتا ہے کہ افواہ ہو, ہو سکتا ہے کہ افواہ ہو, قصور باشندہ کا رہا ہو. جب کچھ چلنے کی بوائی تھی, جب کچھ چلنے کی بوائی تھی, کبھی کیوں کسی نے نظر نہیں اٹھائی تھی, اسی وقت آگ کیوں نہیں بجھائی تھی. کیا کہہ سکتے ہو, ہوا میں پہلے ہی اتنا زہر ہے, کیسے پتا چلتا آج کا یہ کھواں قہر ہے. پھٹی آنکھیں جھکی گردنیں تب اٹھی جب آگ کھودوں کا پوری تھبک اٹھی. پر اب کیا ہو سکتا تھا, ایک ہی راستہ تھا بچنے کا اور وہ بند ہو چکا تھا. کچھ فوراً جھلس گئے, کچھ مر رہے تھے, لیکن مشرف کو احساس ہو گیا تھا کہ اب سب مر رہے ہوتے. ہوا سیاہ ہو چکی تھی, اس کا دم اٹھ رہا تھا. شوبھت کی زندگی کی سب سے فوراً کال کی ہو, سانسیں اٹھ گئی تھی مشرف کی, اور دوست کی آخری سانس تک آس تھی اسے. وہ آواز دیتا رہا, ارے تو آواز دے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تجھے بچانے کون کیا آئے گا. لیکن کیسے آتا تھا, باتیں ہو چکی, غیر قانونی گھٹانے میں پھنس کر وہاں کی گلیاں تنگ ہو چکی تھی, اور صرف سست پڑتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. مشرف کوئی نہیں پا رہا تھا, شوبھت کا دل بیٹھا جا رہا تھا, اس کا روح بھاؤ چلا رہا تھا, ہے رام میں کیا کروں, کہاں جاؤں, اتنا فاصلہ ہے, کیسے اپنے دوست کو بچاؤں. یہ غیر قانونی فیکٹری وہاں کھڑی کیسے ہو گئی, تمام محکموں سے چوک کیسے ہو گئی, سبھی تو آڈر فور نہیں ہو گئے کہیں. اتہاس بتایا تھا اس نے کہ ہوا گرم ہوا گرم یہ بیماری مہاماری سے پھیلتی ہے, گاؤں قصبے شہر پورے کے پورے دیش ملتی ہے. پھر سانسوں کی آواز آنے کو بند ہو گئی, مشرف مر گیا. جاتے جاتے گھر کا سرپرست دوست شوبھت کو کر گیا. میں جانتا ہوں شوبھت یہ چوٹ بہت کڑی ہے, چنوتی بہت ہی بڑی ہے, پر کرو مت, میں ساتھ ہوں تمہارے. مشرف کی آخری فریاد میں نے بھی تسلی ہے, ذمہ داری اب میرے کاندھوں پر بھی پڑی ہے. تو چلو اٹھو شوبھت, آگ بجھی نہیں ہے ابھی, اس سے پہلے کہ ہوا اور گرم ہو جائے اسے بجھانا ہوگا, آدم خورے سے ملک بچانا ہوگا.